हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करेंगे पाइथन की कोडिंग इन एक्सेल के अंदर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि पाइथन की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे एक्सेल में। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं। और पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए फॉर्मूला में जाना पड़ेगा और इंसर्ट पाइथन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपके पास नहीं होगा, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर प्रोग्राम, वहां आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं इनसाइडर प्रोग्राम में बीटा चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ प्रोग्राम लिखने के लिए हम पाइथन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी कोडिंग लिख सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली वीएस कोड में लिखते हैं, और कंट्रोल एंटर मारेंगे तो वर्क करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं नम पाई, कुछ लोग इसको नम्पी बोलते हैं, एज ए एनपी। उसके बाद इसमें हम कर देंगे इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, क्योंकि हम चार्ट यूज कर बनाना चाह रहे हैं, तो मैट प्लॉट में पाई पाई प्लॉट को हमें करना पड़ेगा। हमने जो एज ए पीटीएल कर लिया पीएलटी। अब यहाँ पे हम सिंपल से करते हैं कि पीएलटी डॉट स्टाइल डॉट यूज, और इसके अंदर हमने बोला कि भाई डिफॉल्ट प्रोग्राम यूज बनाओ, चेक कर। मैं डिफॉल्ट लो यहाँ पे। उसके बाद हमने ये हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं एक लाइन चार्ट, एक क्या बोलते हैं उसको, प्लॉट लाइन चार्ट के बारे में बात करें, कोनियस चार्ट इसको हम लोग बोलते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक्स, एक्स इक्वल टू हमने बोल दिया नंपी नंपी डॉट अरेंज। अब इसी अरेंज में सिर्फ एक आर है अरेंज, और इसके अंदर हमें 0 से स्टार्ट करना है, 10.5 तक जाना है, और यहाँ पे 0.20 का गैप रखना है। देन वाई इक्वल टू हमने क्या बोला, हमने बोला साइन एनपी डॉट साइन होगा, एनपी डॉट साइन ब्रैकेट ओपन, और हमने बोला कि एक्स। देन वाई इक्वल टू हमने लिख दिया एनपी, वाई नहीं जेड माफ कीजिएगा, जेड जेड इक्वल टू अगेन एनपी डॉट कॉस थीटा, हमने एक्स का मान कॉस थीटा से ले लिया। अब यहां पे अपना प्लॉट क्रिएट करना है, हमने लिख दिया पीएलटी डॉट प्लॉट, और इसमें हमने एक्स हमारा एक्स सीरीज होगा और वाई यहाँ पे वाई हो, यहाँ वाई कर दिया, और मुझे दो लाइनें चाहिए तो डॉट अगेन प्लॉट, और प्लॉट में यहाँ पे एक्स कॉमा जेड कर देते हैं, और इसके बाद सिंपल पीएलटी डॉट शो राइट ओपन क्लोज एंड कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपका इमेज आ गया। साइड में जो तीन तरह का बॉक्स दिख रहा है ऑब्जेक्ट पाइथन ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करके एक्सेल व्यू कीजिए, यहाँ पे आपको छोटा सा इमेज दिखेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ वाली इमेज पे क्लिक कीजिए, देखिए ये रहा आपका इमेज। अब इसकी इसमें स्टाइल और बाकी चीज भी चेंज की जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हमने ऐसे ही डिफॉल्ट डेटा ले लिया, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी एक्सेल का एक डेटा है, इसको लेके चलना है, जैसे मंथ है, सेल्स और टारगेट है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मंथ वाइज सेल्स टारगेट हमने लिया हुआ है। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ सिंपली कुछ नहीं किया है, देखिए कि एक्स वाई जेड को हमने डायरेक्ट ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सेल और दिख रहा है, सिलेक्ट कर लिया हमने, और जो नॉर्मली हमें जो बनाना है वो हमने यहाँ पे बना लिया। इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। अब इसमें बोलेंगे सर मंथ 1 2 3 क्या है, जैन फैब भी होना चाहिए, अगर मान लीजिए हम जैन फैब करें तो आएगा, जी नहीं, क्योंकि जो चार्ट हमने लिया है, जो प्लॉट चार्ट हमने लिया है, वो सिर्फ नंबर पे ही वर्क करता है, इस पे वर्क नहीं करता है, टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है। यहाँ पे पैथन के जितने भी रिजल्ट और एरर है वो आपको यहाँ पे आएंगे। अब आप लोग सीखना चाहते हैं मेरे साथ कंप्लीट पैथन तो सीख सकते हैं, हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है। जी हाँ, नई बैच शुरू हो रही है 18 तारीख से, जी हाँ 18 दिसंबर से रात को 10 बजे हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है, जिसमें हम पूरी पाइथन की जो प्रोग्रामिंग एक्सेल में कर सकते हैं वो सारे करेंगे। इसमें हम बेसिक पाइथन कोडिंग, पांडाज की कोडिंग, मैटप्लोटलिब, नंपी,
डेटाबेस विद पायथन और बाकी और चीजें भी इसके अंदर कवर करेंगे। ज्यादा डिटेल्स के लिए नंबर स्क्रीन पे है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल्स भेजेंगे। और अपनी सीट बुक कीजिए क्योंकि कुछ लिमिटेड सीट है। इसकी फीस जस्ट 2,000 रुपये पड़ेगी, 2,250। थैंक यू।